यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे स्टार कनेक्शन कैसे वर्क करता है, उसका जो स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने उसके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो कैसे वर्क करते, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन रेडी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने लैम लोड का यूज़ किया है स्टार कनेक्शन में, ठीक है। स्टार कनेक्शन के जैसे मैंने आपको बताया कि जो उनके जो तीन वाइंडिंग होती है उसके जो एंडिंग पॉइंट उसको शॉर्ट करने से हमारा स्टार कनेक्शन बदल रहा, वहाँ से हमारा न्यूट्रल का पॉइंट निकल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ मेजर करेंगे प्रैक्टिकल में, हम लाइन वोल्टेज मेजर करेंगे, फेज वोल्टेज मेजर करेंगे, लाइन करंट मेजर करेंगे और फेज करंट मेजर करेंगे। मगर जैसे मैंने आपको स्टार कनेक्शन में बताया हमारा जो फेज करंट और लाइन करंट वो सेम ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट सेम ही रहेगा, मगर हमारा लाइन वोल्टेज जो रहता है वो फेज वोल्टेज से रूट थ्री ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यानी लाइन वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा फेज वोल्टेज से। तो यही सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और दूसरा, ये न्यूट्रल वायर को अगर हम छूते हैं यहाँ पे ये नोड पॉइंट पे तो मुझे करंट लगता है कि नहीं लगता, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सर्किट को, ठीक है। तो ये अभी हमारा लैम्प लोड ऑन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरे जो लैम्प लोड है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे एफिशिएंसी पे ग्लो नहीं हो रहे, ग्लो हो रहे मगर कम ग्लो हो रहे। जैसे मैंने बताया स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कम मिलेगा, यानी ये स्टार सर्किट में वोल्टेज कम रह जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये बल्ब फुल ग्लो नहीं हो रहे, ठीक है। तो अभी हम लाइन वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया ये दो फेज के बीच हम लाइन वोल्टेज मेजर करेंगे, और जो फेज वोल्टेज रहता है ये हमारा जो लैम्प लोड है यहाँ पर हम फेज वोल्टेज मेजर करेंगे। यानी लाइन वोल्टेज किसे बोलते हैं, ये दो लाइन के बीच आर वाई बी या आर वाई बी में से आर और वाई फेज के बीच हम जो वोल्टेज मेजर करेंगे उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और फेज वोल्टेज ये हमारा एक फेज और ये न्यूट्रल पॉइंट के बीच मेजर करेंगे उसको हम फेज वोल्टेज बोलेंगे, या फिर आप यहाँ पे जो हमारा ये लैम्प लोड है यहाँ पे भी आप फेज वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और लाइन करंट किसे बोलते हैं, तो ये जो हमारा आर फेज है वहाँ से जो हमारा करंट है उसको लाइन करंट बोलते हैं। और फेज करंट जो ये बल्ब है इस यहाँ से हमारा जो लैम्प लोड है उसके अंदर से जो हमारा करंट पास होता है उसको फेज करंट बोलते हैं। मगर स्टार कनेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया फेज करंट और लाइन करंट सेम ही रहते हैं। तो अभी हम जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 0.19 थी हमारा ये यहाँ पे जो एक फेज उसका मैंने यहाँ पे मीटर यूज़ किया, तो यहाँ पे हमें ये लाइन करंट 0.19 मिला है। तो अभी यहाँ पे हम ये क्लेपन मीटर से चेक करेंगे, हमें एम्पियर पे सेट करेंगे, ठीक है। और इसको हम एसी कर देते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कितना हमें करंट मिल रहा है, ये अभी हम फेज करंट मेजर कर रहे हैं। तो फेज करंट हमें मिला है 0.17 और यहाँ पे 0.19 आ रहा है, यानी पास ही पास में है, नज़ीक ही है, ठीक है। ये हमने एक सर्किट का ले लिया, उसी तरह दूसरी सर्किट का भी मेज़र कर देते हैं। तो ये हमें मिला है 0.18, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे इसका भी चेक कर लेते हैं तीसरे सर्किट का, तो ये भी हमें 0.18 जितना मिल रहा है, ठीक है। यानी पूरी सर्किट में लाइन करंट और फेज करंट हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। जैसे हम स्टार कनेक्शन का जो स्पेसिफिक है कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हिसाब से हमें लाइन करंट और फेज करंट सेम मिलेंगे। अभी हम चेक करेंगे लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज पे सेट करते हैं क्लिपन मीटर को, और हम चेक करेंगे जो हम जो MCB लगाई हमने 4 पल की वहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हम दो फेज के बीच चेक करेंगे कितना हमें लाइन वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 420 हमें वोल्टेज मिल रहा है लाइन वोल्टेज आर और वाई फेस के बीच, उसके बाद आर और बी वेस फेस के बीच हमें मिल रहा है 415, ठीक है, 415 जितना मिल रहा है। और उसी तरह वाई और बी के बीच वो भी हमें 420 है ना, 4-5 वोल्ट का डिफरेंस है, मगर 420 वोल्टेज जितना हमें लाइन वोल्टेज मिला। अब हम फेस वोल्टेज मेजर करें, तो फेस वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे, एक फेस पर रखेंगे और एक जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पर रखेंगे, तो हमें मिलेगा 240 वोल्टेज, ठीक है। ये हमें एक लाइन का मिल गया फेज वोल्टेज, उसकी तरह दूसरे वाई फेस पे लगा के हम चेक करेंगे तो वाई फेस पे भी हमें मिलेगा 240 जितना मिल रहा है, ठीक है, वाई फेस में। और इसी तरह हम बी फेस में चेक करेंगे तो वहाँ पे भी हमें 240 वोल्टेज फेज वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा लाइन वोल्टेज रहता है वो फेज वोल्टेज रूट थ्री ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो रूट थ्री से हम अगर फेज वोल्टेज हमें 240 मिला उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 430 या 420 जितना हमें वोल्टेज मिल जाएगा। यानी हमारा जो लाइन वोल्टेज रहता है वो फेज वोल्टेज से रूट थ्री ज़्यादा रहेगा, जो हमने प्रैक्टिकली भी हमने प्रूव किया है, ठीक है। और जो मेरा लास्ट सवाल था, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कम मिलता है उसकी वजह से बल्ब कम ग्लो हो रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया अगर ये न्यूट्रल वायर को मैं छूँगा तो मुझे शॉक लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि दो फेज के बीच 440 वोल्टेज आ रहा है और फेज और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्टेज आ रहा है। तो अगर ये न्यूट्रल वायर को मैं छूता हूँ तो मुझे करंट लगता है, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं छू के ट्राई करता हूँ, देख रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं मैं यानी वायर को छू लिया है फिर भी मुझे कोई करंट नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे आपको स्टडी किया होगा किच ऑफ करंट लो, जो किच ऑफ करंट लो का उसमें ऐसा कहते हैं कि जो एंटरिंग और लीविंग करंट रहता है वहाँ पे नोड पे उसका समेशन जीरो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो शॉर्टिंग किया हमने नोटा था यहाँ पे हमारा करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे मैं छू रहा हूँ तो मुझे ये करंट नहीं लग रहा है,
ठीक है। मगर ये एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बैलेंस लोड है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने सिर्फ लैम्प लोड का यूज़ किया, इसके लिए ये बैलेंस लोड है, इसकी वजह से हमें छूने से मुझे करंट नहीं लगा। मगर अनबैलेंस लोड हुआ तो मैं इसको छूँगा तो मुझे जोरदार झटका लग सकता है, ठीक है। ये बैलेंस लोड की वजह से यहाँ पर अभी मैं छू रहा हूँ तो मुझे झटका या करंट शॉक नहीं लग रहा है, ठीक है। पर ये आप प्रैक्टिकली मत कीजिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बताने के लिए है कि यहाँ पे करंट नोड पे करंट जीरो रह जाता है, इसकी वजह से अभी यहाँ पे मैं छू रहा हूँ फिर भी मुझे करंट नहीं लग रहा, ठीक है। तो आई होप कुछ भी आपको डाउट हो स्टार कनेक्शन के बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।